हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू द मेड विकेट गाइस। और द मोस्ट रिक्वेस्टेड कंटेंट इज बैक, दैट इज द आईपीएल कंटेंट। आईपीएल का आ चुका है शेड्यूल। आई नो वी गाइस अ लिटिल बिट लेट, बट एज यूजुअल द शेड्यूल हम लेट है तो ठीक। हम लेट है तो चलेगा, बट आईपीएल का शेड्यूल लेट क्यों है उनसे पूछो। अरे पता नहीं कब से अटका रखा है। इलेक्शन बोल रहे हैं, ओए इलेक्शन बोलना बंद करो। बट सचल ठीक है, रीजन तो यही है कि इलेक्शन के चक्कर में नहीं आया, बट द फैक्ट इज कि इतना डिलेड है, अब भी आया है तो सिर्फ 21 मैचेस का। स्टिल डोंट नो कि कहां खत्म होगा, कहां कैसे क्या हो खत्म रहा होगा, है, कहां खेलेंगे, कब खेलेंगे, कौन खेलेगा, कौन से नहीं खेलेगा। और उसमें भी मतलब हमें कंप्लेंट्स तो शुरू हो गई थी। कुछ तो सिटीज में भी डाउट है कि उन सिटीज में मैच होगा नहीं मतलब होगा। दिल्ली का मैच विशाखापट्टनम में क्यों हो रहा है, जरा मेरे को बताओ। वो WPL इज द ओनली रीजन, यू नो राइट नाउ जो मैंने भी पढ़ा, अब WPL के मैचेस दिल्ली के पिचेस पे है तो पिच तैयार नहीं हो पाएगी। ठीक है भाई, ओके हम कूल। यहाँ हम दिल्ली फैन क्या करें, मतलब विशाखापट्टनम जाए, ये फ्लाइट करवाएंगे मेरी। दिल्ली फैन हैं कितने से, रहन दो आप। अब मैं और मेरे को पक्का पता है हम दोनों की किस्मत ऐसी है कि वो दोनों मैचेस जो विशाखापट्टनम में खेले जा रहे हैं, मेरे ख्याल से एक डीसी वर्सेस केकेआर निकलेगा और एक डीसी वर्सेस सीएसके निकलेगा। चलो भाई देख लेते हैं, दादा देख लेते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट द मैचेस। भाई इंटरेस्टिंगली आई थॉट विनर वर्सेस फाइनलिस्ट होना चाहिए था फर्स्ट मैच, बट वी हैव सीएसके वर्सेस आरसीबी एज द फर्स्ट मैच, दैट टू इन चेन्नई। Chennai, I think that makes sense because I think CSK and RCB are the biggest, one of the big top three fan army. CSK was the MI kitna milk out karoge, so CSK and RCB make sense to me. So, or an opener. Gujarat nahi hona chahiye tha, CSK Gujarat. Yaar, CSK Gujarat, I don't know, so RCB makes more sense to me. Achha, theek hai, and this could be the last time you could be seeing Dhoni versus Virat at Chennai. ये मैच सीएसके वर्सेस आरसीबी, धोनी वर्सेस कोहली फॉर द लास्ट टाइम एट धोनीज होम टू स्टार्ट ऑफ द आईपीएल, I think a very good opener, being very honest. I think, like, I don't think any complaints here in this department. Nah, ठीक है, then you have a double header. उसके बाद पंजाब versus डीसी दिल्ली, अब इस दोपहर को है ना, double header है. हाँ, true. उसको कुछ बोलते थे ना, इनकी weekends को कुछ बोलते थे ना, they super Sundays कुछ बोलते थे लोग. Super Saturdays, हाँ super Saturdays. तो आई थिंक फ्राइडे को स्टार्ट हो रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 22 मार्च को फ्राइडे है। यस 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 है ना, तो सैटरडे और संडे को डबल हेडर हो जाएगा, दैट इज व्हाट आई बिलीव। सो देन यू हैव रात को केकेआर वर्सेस एसआरएच, स्टार्ट कमिंस वर्सेस हिज ओन एक्स टीम, जीजीस फर्स्ट मैच एज केकेआर का मेंटर कमिंग बैक, कोलकाता में होम ग्राउंड हियर कैप्टनिंग हिज स्क्वाड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बैक, द न्यू ईडन गार्डन्स पिच एज वेल। I think a very good match. I think overall a very good test for SRH as well, because Kolkata ki pitch is always a treat to watch, especially foreigners playing there. So let's see how they tackle. And exactly, ab wo foreigners kaise perform karte hain, SRH ki kaun si team khelne wali hai, and captain kaun hota hai. Let's see. Then you have RR versus LSG in 3:30 wala game. Jaipur ki garmi mein tum log RR versus LSG hoga bhai. Jaiswal bhai, aap आपकी टेस्ट इनिंग्स इनको इतनी पसंद आ गई है कि आपके मैच भी दोपहर को रख दिए उन्होंने। देन वी हैव द आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड मैच, मतलब अगर अगर आईपीएल को दिखाने की आईपीएल है, अहमदाबाद क्राउड तुम्हें मैं वर्ल्ड कप के लिए माफ तो कभी नहीं करूंगा शायद, बट मैं शायद तुम्हें अगर माफ कर दूं अगर तुमने हार्दिक पांड्या को विलन वाला वेलकम दिया तो। इट इज योर परफेक्ट मोमेंट टू गिव हार्दिक पांड्या द ट्रीटमेंट ही डिजर्व्स, बू हिम भाई। क्यों भाई, क्यों, व्हाई विल यू बू भाई, मतलब दैट आई गिव यू योर फर्स्ट टाइटल, सॉरी वी ऑलवेज ट्राई टू मेक जीटी वो एमआई वर्सेस सीएसके टू बी एल क्लासिको, देन व्हाई नॉट जॉइन द हेट ट्रेन एज वेल, इफ यू आर अ कैप्टन, यू आर अ कैप्टन हु लेफ्ट टू कैप्टन अनदर टीम गोइंग बैक, यू आर वेलकमिंग बैक इन तुम ग्राउंड में, बट यू बट वोंट ही थैंक हिम, बट वोंट ही थैंक हिम, हार्दिक पांड्या शुड गेट बूड इन जीटी, मतलब थोड़ा सा भी अगर आईपीएल में सारा लाना है ना तो दिस शुड हैपन, आई थिंक आई वांट दिस फॉर द ड्रामेटिक्स टू बी रियली ऑनेस्ट।
Then I understand the moral aspect of it. I understand all the moral aspect of it. But if you want to make IPL a treat-worthy and a long-term thing, then please GT ka crowd fuck Hardik Pandya. Then GT versus MI pe tumhare sab teams ke pehle pehle matches ho jayenge. Then you go to RCB versus PBKS and then Chennai versus Gujarat. So Chennai is playing pehle RCB then Gujarat. It's not going to be Chennai easy. Chennai ka kaafi acha matlab ho raha hai. So I think again we might be seeing a Chennai season. Although lekin dono Chennai mein hi hai. Haan, favorite true, Chennai. For a reason. Then you have Mumbai SRH, RRDC. Actually, I'm interested about this game, RR versus DC. Mujhe lag raha hai, one of the these two teams is an underdog, ya fir keh lo, can be the dark horse of the whole tournament. So, exactly. Isliye main, I'm interested about this game. What I am excited about is, tune ek match upar kafi, like, again, I know we're discussing almost everything, but SRH versus MI is going to be a banger, bhai. A team with the best foreigners versus a team with the best Indian core. Indian players. It's going to be Hyderabad. RCB, KKR, LSG. My RCB versus KKR is always a treat to watch. Chinna Swami RCB versus KKR. And Virat versus Gambhir is back. Gambhir. GG's. And we all know that KKR are domestic people, they are not afraid to fight. So Nitish, we might be seeing Nitish Rana or not Shreyas Iyer at least. We Shreyas Iyer khud uski party mein tha, but Nitish Rana might be going out thoda in a aisa way. LSG versus Punjab, then you have Gujarat versus SRH. Okay, DC versus... मैंने call out किया था चलाग, मैंने prediction की थी DC versus CSK विशाखापट्टनम में होगा. अब मेरे को लग रहा है डीसी दूसरा अभी विशाखापट्टनम डीसी उसके क्या होने वाला है डीसी का होम मैचेस इन विशाखापट्टनम मेरे लिए आई एम एक्चुअली डिसअपॉइंटेड यार क्या बोलूं दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ गेम इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन 2014 आईपीएल एडिशन 2016 आईपीएल एडिशन जहां पर दो दिन पहले पंजाब को होम ग्राउंड बनाया था उन्होंने स्टेडियम को और दो दिन के अंदर अंदर केकेआर का होम ग्राउंड बना दिया था उसको सेम स्टेडियम को 14 होगा फिर तो जो इलेक्शन 14 में थे इलेक्शन के आसपास ही करते हैं तीसरा भी देख लेते क्या पता नहीं दो ही मैच थे दो मैच थे एमआई वर्सेस आरआर आरसीबी वर्सेस एलएसजी ओके केएल राहुल की होम कमिंग है Then you have Gujarat, PBKS, SRH, CSK. Okay, so in match schedule you have Mumbai versus DC is one game, which people are excited for. Although that's in the afternoon. Why? ठीक है Mumbai में afternoon में भी match होना चाहिए वन खड़े. चलो ठीक है but हाँ but this is a good enough game कि तुम रात को रख सकते थे. हाँ रात को कर सकते थे game. LSG versus GT रात को तुमने कर दिया but ठीक है. हाँ swap कर सकते थे. अम्मानी भाई की meeting होगी रात में यार. चलो कोई नहीं बट यार दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो फ्रॉम अस टॉकिंग अबाउट फिक्स्चर्स यार चिराज एनी फिक्स्चर यू आर अभी इनमें से जो तू बहुत ज्यादा एक्साइटेड टू वॉच जीटी वर्सेस एमआई एट अहमदाबाद प्लीज मेक इट एमआई ओके मैंने बोला कि जहां पर हार्दिक पांडे को प्रॉपर वो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सी आई विल गो विद द आईपीएल ओपनर डब्ल्यूपीएल का ओपनर वाज अ क्लासिक गेम लास्ट बॉल फिनिश if this could happen and RCB on the losing end again, I would love to see that. RCB never Delhi thi. Sorry. But yeah, RCB on the losing end, I would love to see that as a Chennai fan. So that will be my game to watch out for. And don't forget, we'll be there no matter what. हाँ वही मुंबई वैसे जीटी अच्छा गेम होगा मुंबई दिल्ली अच्छा गेम है केकेआर वाज आरसीबी इज ऑलवेज अ ट्रीट टू वॉच केकेआर वाज आरसीबी इज ऑलवेज अ ट्रीट टू वॉच फॉर मी एट लीस्ट नाउ लेट्स सी आई थिंक वी आर ऑल अंडररेटिंग एलएसजी हियर I think LSG is going to be I want to underrate LSG. मतलब वो hater fucking hater. हाँ हूँ भाई लेकिन उनके पास किसको रेट करूँ नवीन लोग को? KL राहुल को भाई. अच्छा okay. भाई साहब रवि बिश्नोई is the only thing they have right now. Let's see. अश्विन कुलकर्णी. मिलते हैं in the next video. More IPL videos. Do wait. Do watch. Do like. Do comment. Do subscribe, do share, do something useful, and do something good in your life. Thank you so much. Bye-bye.